ये आपकी मोहब्बत है कि इलेक्शन लड़कर कोई नहीं हरा सका। ये आपकी मोहब्बत है कि इलेक्शन लड़कर कोई नहीं हरा सका। बुजदिलों की तरह साजिश करकर हटा जरूर लिया, लेकिन मेरे लिए आप लोगों की ये मोहब्बत, आप लोगों का ये प्यार किसी भी विधायक की और सांसद से बहुत बढ़कर है। मेरे अल्लाह ने मुझे जो मोहब्बत आपके दिल में मेरे लिए दी है, जो इज्जत मेरे लिए आपके दिल में दी है, वो किसी विधायक की से बहुत बढ़कर है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस ये मोहब्बत, ये प्यार हमेशा आपके दिलों में कायम रखे। मेरी जिंदगी की इससे बढ़िया कोई कामयाबी नहीं हो सकती, कोई कामयाबी नहीं हो सकती। अरे यार भाई क्या कर रहा है? मुझे खुशी है कि मेरी ये आपकी ये मोहब्बत आपके दिल से और आपके जज्बात से है, क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए के टिकट खरीद कर आपके बीच से चुनाव कभी नहीं लड़ा। मेरे पास इतनी अफराद की दौलत है कि मैं शाहबाद और शहर से 4-5 ख्वाब देखने वाले बुला लूं और वो सब कुछ हरा हरा दिखाए। मैं तो अकेला चला था जाने पे मंजिल मगर इकट्ठा कर लोगे 4-5 कुर्सियों पर बिठा कर दूसरी विधानसभा के और बता दोगे कि भाजपा जीत गई। साजिश हुई और हटा दिया गया और दूसरी बार भी यही हुआ। लेकिन मैं एक बात आज साफ कर दूं, क्योंकि मेरी आवाज वहां तक जरूर पहुंचाई होगी जिन्हें मेरी आवाज सुननी है, कि अगर कोई ये समझता है कि ये साजिशें करके और ये सब हथकंडे अपनाकर आप मुझे स्वार्थ से दूर कर दोगे तो ये गलत फहमी है। मेरा स्वार्थ छोड़कर जाने का भी दूर से दूर तक कोई इरादा नहीं है। मैं कल भी आपका था, मैं आज भी आपका हूँ और इंशाल्लाह मैं आने वाले कल भी आपका ही रहूंगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारा दौर। मैं इस शेर के साथ हम सब के कायद आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को बुलाऊंगा कि न थके हैं पांव कभी, न ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पांव कभी, न ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है।